कि आप लोगों के द्वारा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन अनशन प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोग हड़ताल पे हैं, तो क्या कहना है आपका और क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की 17 संगठन जो एकजुट होकर के एक संगठन बनाया, संयुक्त मोर्चा का नाम दिया, उसमें ग्रामीण विकास पंचायत विभाग की तमाम सारे कर्मचारी हैं जिनके हड़ताल की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में उसका सीधा असर दिख रहा है। हितग्राही मूलक सारी योजनाएं सब ठप हैं और हितग्राही हर जगह भटक रहे हैं, कार्यालय में, जनपद कार्यालय में, ग्राम पंचायत में। लेकिन हमारे ग्रामीण विकास के ग्राम पंचायत सचिव GRS और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सब इंजीनियर सहायक यंत्री और कंप्यूटर ऑपरेटर तो इतना उनका महत्व है कि आजकल बगैर उनके कोई काम ही संभव नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोग 22 तारीख से अनवरत धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। आज यह धरना प्रदर्शन आंदोलन का 10वां दिन है जिसमें हमारे जनपद चौंफर के ये सभी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अर्धनग्न प्रदर्शन का निर्णय लिया था, जिसके तारतम्य आज इनका जारी है। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं सभी संगठन की, वो तत्काल पूरा करें। और यदि पूरा नहीं करेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक चाहे जितना समय लग जाए हम लोग काम नहीं करेंगे किसी भी दशा में। बड़ी पीड़ा है, बड़ी दिक्कतें हैं, अपना दुख कैसे बयान करें। हम पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की सारी योजनाओं का संचालन करते हैं, मनरेगा का काम हम करते हैं, आवास का काम हम करते हैं, बच्चों की जो ID बनती है, इसमें बड़ा तकलीफ है, बच्चों की जो ID बनती है जिसके दम पर उनका एडमिशन होता है विद्यालय में, उनका काम प्रभावित हो रहा है, लोग हर जगह भटक रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, और जब तक ये हमारी मांगे संयुक्त मोर्चा में 17 संगठन है, सबकी अलग अलग मांगे हैं, और सबकी जब तक पूरी मांगे एक साथ पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक धरना प्रदर्शन आंदोलन चालू रहेगा। हम लोग अब मानने वाले नहीं हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग 25-26 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज तक शासन ने हमें कुछ भी नहीं दिया, 25-26 हज़ार में हम लोगों को लटका रखा है, इतने में हमारे बाल बच्चों का क्या खर्चा चलेगा। ग्राम रोजगार सहायकों को मात्र 9 हज़ार मिलता है, और सोचें, अंदाज करें कि इनमें कितना इनका कैसे परिवार चलेगा। इसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर को पिछले सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी इनको निकाल दिया था, ये बेचारे गली गली भटक रहे हैं, इनका कहीं कोई सहारा नहीं है। तो मतलब जो काम करने वाली जो हमारी टीम थी उसको बाहर आप कर दिए, उसकी सही उसको वेतन नहीं दे रहे, उसकी सेवा की सुरक्षा गारंटी नहीं ले रहे हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हम लोगों की पूरी मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक अनवरत आंदोलन धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। Yeah.